बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आज मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा नियुक्ति पत्र मिला। रैंक की बात हम इन्हीं के मुंह से सुनते हैं, रैंक कितना है आपको बताएं? रैंक 1 आया था मेरा, 1 रैंक है, इसीलिए खुशी आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। और आपको बता रहे थे कि वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड लोग जहां पर सफर करते हैं वहां पर नियुक्ति पत्र पाकर कितनी खुशी मिल रही है आप चेहरे से पता लगा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैंने ललित कला में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ललित कला में जी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मेरा फाइन आर्ट्स से ही है। सर ये बहुत खुशी की बात है, खासकर कला संस्कृति को लेकर जो हम देखते हैं बाकी फील्ड को लेकर, चाहे वो कोई भी मेडिकल से हो या फिर मतलब जिसमें भी बीटेक किया हुआ हो, तो हम देखते हैं उनकी नियुक्तियां बहुत अच्छे से तेज़ी से हो रही हैं, पर कला और संस्कृति को लेकर जो पहली बार ये काम किया गया है, जो चयनित किया गया है हम लोगों को, इसलिए पदभार दिया गया और मैं काफ़ी खुश हूँ और इस चीज़ के लिए मैं उनको काफ़ी धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए कला संस्कृति विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र बांटने का कार्य किया गया है और आप कैंडिडेट्स हमारे सामने हैं और बांटने का काम भी किया है। तो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने, सबसे पहले कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना से हूँ सर, पटना से। अच्छा, कितना सही लगता है कि वेल एजुकेटेड लोग जो बहुत सारा सफर तय करते हैं, इंतजार करते हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलना? सर ये बहुत खुशी की बात है, खासकर कला संस्कृति को लेकर जो हम देखते हैं बाकी फील्ड को लेकर, चाहे वो कोई भी मेडिकल से हो या फिर मतलब जिसमें भी बीटेक किया हुआ हो, तो हम देखते हैं उनकी नियुक्तियां बहुत अच्छे से तेज़ी से हो रही हैं, पर कला और संस्कृति को लेकर जो पहली बार ये काम किया गया है, जो चयनित किया गया है हम लोगों को, इसलिए पदभार दिया गया और मैं काफ़ी खुश हूँ और इस चीज़ के लिए मैं उनको काफ़ी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पद के दौरान और कला और संस्कृति को लेकर बिहार की काफ़ी गौरवशाली आगे संस्कृति को बढ़ा सकूं। अच्छा, कह सकते हैं कि अगर बहुत जगह ऐसा होता है, अगर बिहार की ही बात करें तो वेल एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग भी बहुत सफ़र करते हैं अगर बात करें तो, लेकिन यहाँ पर डिप्टी सीएम के हाथों आपको मिल रहा है नियुक्ति पत्र, तो वो भार कहाँ तक आप चुका पाइएगा? क्या ट्रेनिंग भी आगे होगी आपकी या फिर कहाँ कहाँ जाइएगा? तो आप इस बात को तो रखिएगा ही कि हाँ हमें नियुक्ति पत्र मिला तो इस भार को हम सही से उभार पाएंगे। हाँ, ये विभाग डिप्टी सीएम की तरफ से दिया गया है क्योंकि कला और संस्कृति विभाग भी इन्हीं के अंतर्गत आता है, तो पहली बार इस पद का सृजन किया गया है, तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी। जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और जो भी ट्रेनिंग वगैरह होगा उसको हम लोग पहले करेंगे और फुलफिल करेंगे, ग्रास रूट लेवल से काम करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा काम होगा ईमानदारी से करेंगे। और लोगों से हम बात करें, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कहाँ से आए हैं सर? मैं नालंदा ज़िले से आया हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर्स है, मैंने 2 मास्टर्स किया है शांति निकेतन से और लखनऊ। डिप्टी सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना कितना सही लगता है? बहुत सुखद अनुभव है, डिप्टी सीएम हमारे पहले से भी कला संस्कृति के क्षेत्र में काफ़ी उनका तत्पर रहे हैं और उनके हाथों से मिलना काफ़ी सुखद अनुभव है। अब देखिए कैंडिडेट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं और हमने तमाम बातें की, अपर मुख्य सचिव साहिबा से भी हमने बातचीत की और यहाँ पर रैंक 1 को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले कैसा लग रहा है नियुक्ति पत्र पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आज मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा नियुक्ति पत्र मिला। रैंक की बात हम इन्हीं के मुँह से सुनते हैं, रैंक कितना है आपको बताएं? रैंक 1 आया था मेरा, 1 रैंक है, इसीलिए खुशी आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। और आपको बता रहे थे कि वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड लोग जहां पर सफर करते हैं वहां पर नियुक्ति पत्र पाकर कितनी खुशी मिल रही है आप चेहरे से पता लगा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैंने ललित कला में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ललित कला में जी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मेरा फाइन आर्ट्स से ही है। तो क्या जो जिम्मेवारी जो भार आपको मिला है उसको सही तरीके से आप रख पाइएगा आगे चलकर? जी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसे मैं अच्छे से निभा पाऊं और कला और संस्कृति के क्षेत्र में बिहार का नाम सबसे आगे हो, यही मेरी कोशिश रहेगी। अच्छा, एक आगे सवाल लेंगे कि वेल एजुकेटेड लोग जो बिहार के होते हैं वो अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें बड़ी हीन दृष्टि से देखी जाती है, उनकी नज़रिए बदल जाते हैं, तो क्या आप उस काबिल बनाइएगा खुद को कि आप अगर बाहर जाए तो एज अ बिहारी नहीं एज एन इंडियन आपको देखा जाए? जी बिल्कुल, और हमारे विभाग से बिल्कुल ये कोशिश होगी कि जो भी बिहार के लोग हैं उनको बाहर जाके बिल्कुल भी हीन भावना का सामना ना करना पड़े और वो अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि उनको कभी भी ऐसा महसूस ना हो। देख सकते हैं कला संस्कृति विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र बांटने का जो काम किया गया है विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम, उनके तरफ से आप देखिए कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो सारे वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं और वो बाहर जाकर वही काम हमने इनके मुँह से सुना कि बिहार के हैं लेकिन बाहर जाकर खुद को एज अ बिहारी नहीं एज एन इंडियन ये पब्लिश करेंगे और लोग इन्हें समझ पाएँ देख कर कि हाँ बिहार भी अगर बात करें एजुकेशन में तो पीछे नहीं है। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहो, देखते रहे 24। मैं नंदन अपने सहयोगी प्रिंस मिश्रा के साथ, धन्यवाद।